क्या हाल है मित्रों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली डीसी केस की वीडियो हमने तो 3 प्लेसेस कवर की थी, तो इस वीडियो में हम अपना ड्राफ्टिंग की है हमने, तो यार इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको कम से कम समय में आप कितनी जगह घूम सकते हैं और कितना टाइम और कितना बजट होगा, मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई हम निकल चुके थे अपने ड्राफ्टिंग करने, तो मैंने ये अपने ज़्यादा नहीं 600 रुपये में मैंने 600 में ही मैंने बुक की थी। तो यार मैंने हॉस्टल में भी पता किया था तो थोड़ा महंगा बता रहे थे, तो ये आपको पिकअप करते हैं आपके हॉस्टल से ही, ज़्यादा दूर नहीं होगा, आपके हॉस्टल के आसपास ही होगा। ये आप मैंने करी थी 16 किलोमीटर की थी और आप 21 किलोमीटर की, मतलब लगभग बहुत बड़ी होती है वो आपके बजट के ऊपर आप कितने में करो। तो मैंने 16 किलोमीटर की थी, तो यार ये आपको यहाँ से गाड़ी से लेकर जाते हैं 16 किलोमीटर दूर और वहाँ से राफ्टिंग चालू होती है और आपका लास्ट पॉइंट होता है जैसे कि टेंपल, आपको पता ही होगा 13 मंजिले टेंपल यहाँ पर लास्ट होता है। तो भाई यहाँ पर थोड़ी वो ट्रेनिंग होगी जो ये भाई बताते हैं और ये स्टार्ट होते हैं, तो वीडियो को देखें और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। पास फॉरवर्ड करो भाई, पास करो, फॉरवर्ड करो, पास फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, ड्रॉप मार। यार यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि आज मर ही जाऊँगा। अपन को पानी से पहली बात तो यार डर लगता है और रैपिड ऐसे ऐसे आ रहे थे और ऊपर से हमारा जो गाइड जो हमें कर रहा था ना यार, वो चलो चलो ऐसे तेज करो ऐसे फास्ट फास्ट, तो यार आधी तो इसने ले रखी थी और बस पानी को देखकर तो बेहिसाब डर लग रहा था, बेहिसाब। देखो मैडम, देखो इधर भैया, आप लोग भी देखो, मजा आया ना गाइस? अच्छा, रैपिड नेम डबल टर्बल, मैम इधर देखो, डबल टर्बल भैया इधर देखो, चलो पैर लॉक करेंगे गाइस। और भाई अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो ना तो एक बार राफ्टिंग जरूर करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा राफ्टिंग जरूर कीजिए यार, डर लगेगा पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब संभाल ही लेते हैं, थोड़ा बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। और अपने ग्रुप में हो गए तो यार बस एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा होगा, थोड़ा ये बंदे दूर दूर से थे, कोई कलकत्ता से था, कोई कहीं से था, तो अपन यूपी से थे, तो अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ग्रुप की तो बात ही अलग है यार। और यार आप सारी एक्टिविटीज़ अगर करना चाहते हो तो 5,000-6,000 में आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हो वो आपके बजट के ऊपर है,
पर मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये आपको चाहिए एक्टिविटीज़ करने के लिए। और अगर आपको वीडियोस रिकॉर्ड चाहिए, वैसे तो यार एक बंदा था हमारे साथ, उसका गोप्रो था यार, उसने यूज़ करा था तो वो तो पानी में चला गया, उसका तो खो चुका था। तो भाई ये बेस्ट होगा कि आप अगर जो हमारे गाइडर होते हैं ना, तो वे आपसे, जैसे कि हम चार बंदे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि 200-200 रुपए, तो आपको वीडियो रिकॉर्ड कर कर दे देंगे। वैसे कोई वीडियो इतनी खास वो नहीं होती, जैसे कि आप देख ही रहे हो वीडियो में, ऐसे आपको रिकॉर्ड होगी, आपका थोड़ा फेस आएगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। वो डिवाइड होगा कि कौन इसमें इंटरेस्ट है, कि इंटरेस्ट रखता है कि वीडियो में, तो आप डिवाइड कर सकते हो, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है यार, ये भी ठीक है, आपको कैमरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको चाहिए ही कैमरा। देखो इधर कैमरा देखो, सब गंगे मैया की, गंगे मैया की। और भाई सबसे बेस्ट थिंग ऑल पीपल, भाई मोटिवेशन बीच बीच में यार देते रहते हैं, ये सबसे बेस्ट है हमारे लिए, बस जो हमारा उत्साह बनाए रखते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। और यार और क्या, इंजॉय करने आए हैं सब भाई, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और गंगा मैया की जय, बस बोलते जाओ और करते जाओ, अपनी मंजिल पहुँच ही जाते हैं। 16 किलोमीटर का अपना 1.5 घंटे में कंप्लीट हो ही गया था। तो यार वीडियो तो हमारा बहुत बड़ा है, तो हम वीडियो को कंटिन्यू नहीं करेंगे अपने, चलो वीडियो को यहीं से, अब चलते हैं बिटलेस आश्रम, अब यहाँ से जाना है अपन 2-2.5 बजे, वैसे ही बज चुके हैं, सुबह के 10 बजे निकले हैं हॉस्टल से, तो चलो चलते हैं बिटलेस आश्रम। बिटलेस आश्रम परमात्मनिकेतन के पास ही पड़ता है, और उसका 150 का टिकट है, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन है। ठीक था यार, मैंने थोड़ा ज़्यादा घूमा नहीं, और जगह जगह पर तंबू थे, कुछ फ़ोटो क्लिक किए हैं, तो आप इन्हें देखिए। और वैसे भी मैं अब यहाँ से जाऊँगा त्रिवेणी घाट, जी अपन पहुंच ही गए हैं, टाइम पर ही पहुंचे हैं यार, क्योंकि 7 बजे तो आरती ही चालू हो चुकी थी, अपन 7:15 पहले पहुंचे हैं। और यार लगभग लगभग सभी चीज़ें पास थी, कोई दूर नहीं थी,
और यहाँ की आरती तो यार फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बस क्या होता है ऑल द वर्ल्ड सब जगह से आए थे। और मेरा मानना है कि आपको यार घूमने के लिए 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत रहेंगे, जैसे कि इतनी दूर दूर चीज़ें नहीं है, जैसे कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और मैं तो यार हरिद्वार से आया था, तो अपन वहीं से रेंट कर कर आए थे स्कूटर को, तो इतना कोई 500 रुपये पर डे का हिसाब से मैं स्कूटर ले गया था। आपको जहाँ आप हॉस्टल लोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल ही जाएगा 500 रुपये पर डे के हिसाब से, 24 आवर मिलेगा। मैं लेकर आया था तो वो 12 आवर था, अपन 10 PM में वो जमा करना था तो अपन कर चुके थे। तो सजेस्ट यही होगा कि आप यहाँ पर आकर स्कूटर से ही घूमें, क्योंकि यार थोड़ा बहुत महंगा था, टैक्सी वगैरह और ये ऑटो वगैरह थोड़ा महंगा था, और आपको घूमने के लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं चाहिए। यार 2-3 दिन में आप सब कुछ घूम लोगे, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी ब्रिज, ये सब लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और भाई मैंने 300 रुपये में हॉस्टल लिया था, तो आप मान लो मैं 2 दिन रुका था, वैसे आप 3 दिन रुकोगे तो आप आराम से घूम सकते हो टाइम बिताने के साथ साथ, तो आपका 600 रुपये आपका वो मील मान लो 101 रुपये। तो यार मैं वैसे तो कर नहीं पाऊँगा, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, आपको अगर आप एक्टिविटीज़ करते हो तो उसका खर्च अलग होगा और आने का खर्च अलग होगा। तो भाई आप 5 से 6 हज़ार रुपये लेकर चलो ऋषिकेश, आप आराम से घूम लोगे। बस तो बस 5 हज़ार में आप बिल्कुल रिलैक्स चिल होकर आप घूम सकते हो। अपन दिल्ली से आए थे, और भाई देख लेना आपके आसपास कहाँ से कोई कहाँ से आएगा, तो अपन तो दिल्ली से आए थे, कुछ दूर भी नहीं पड़ा था। एक भाई था हमारे राजस्थान से भी आए थे, यार उनकी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दूर था, अपन तो पास से आते हैं, वे बहुत दूर से ट्रैवल कर कर आए थे। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना आप कहाँ से आ रहे हो, किस स्टेट से आ रहे हो। ठीक है, अपन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आई लव ऋषिकेश। तो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे ऋषिकेश जब मौका मिलेगा। तो मेरी कुछ पॉजिटिव मेमोरीज रही हैं यहाँ पर। और ये आरती यार, बस लास्ट टाइम आरती देखने के बाद तो बस दिल खुश ही हो गया। आप आरती को एंजॉय कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को यार बस फैला दो, सपोर्ट करो उसको।